आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए जनपद फिरोजाबाद में आज आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश और जिला अधिकारी फिरोजाबाद के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपद फिरोजाबाद शिकोहाबाद के गिहार कॉलोनी में दबिश दी गई और दबिश के दौरान 350 किलोग्राम लहन और 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। 350 किलोग्राम लहन को मौके पर ही फैलाकर नष्ट कर दिया गया। दबिश के दौरान गिहार कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग घर छोड़कर भाग गए, लेकिन फिर भी सिपाहियों के साहस के द्वारा एक युवक को गिरफ्तार किया गया और दो लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी फिरोजाबाद के आदेश के क्रम में आज फिरोजाबाद की आबकारी विभाग की टीम, जिसमें आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1, 2 व 3 के साथ प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षकों की भी टीम थी, इन्होंने आज सुबह सिकोहाबाद स्थित बिहार कॉलोनी में अचानक से छापेमारी की। छापेमारी में 350 लीटर लहन बरामद हुई, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया और 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके तथा 2 अभियुक्त पंजीकृत कुल किए गए। इस छापेमारी से वहाँ पे काफ़ी भगदड़ मच गई, लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए थे, फिर भी उनके घरों की तलाशी ली गई, जिसमें गड़े हुए लहन और डिब्बों के लहन को मौके पर नष्ट किया गया। इस तरह की कार्यवाही लगातार चलती रहेगी ताकि अवैध मदिरा के निर्माण की प्रक्रिया को रोकी जा सके और समय समय पर उस पर लगातार दबिश जारी रहेगी।